नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरसों की चार हाइब्रिड वेराइटियों के बारे में जिसने पिछले वर्ष बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करा है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुआई के समय पर हमें कौन से खादों का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हमें बुआई करनी है और किसान साथियों कौन सी वेराइटी हमें किस क्षेत्र में लगानी है, क्योंकि पिछले वर्ष पाले ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसानों की सरसों को पहुंचाया है। पाले के क्षेत्र में आपको कौन सी सरसों की बुआई करनी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको कौन सी सरसों का बीज लगाना है जिससे हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, सरसों की बुआई का यही बिल्कुल सही समय है। अब टेम्परेचर बिल्कुल अनुकूल आ चुका है जर्मिनेशन के लिए। किसान साथियों, बुआई से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे। अपने खेत की बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जुताई करनी है। और किसान भाइयों, एक गलती किसान साथी बहुत ज्यादा करते हैं, गेहूं की बुआई में भी और सरसों की बुआई में भी, केवल रोटावेटर निकाल के ही सरसों की बुआई कर देते हैं। और किसान साथियों, हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ जाता है। किसान भाइयों, एक बार भी अगर हवा आ जाती है या मौसम खराब हो जाता है तो किसान भाइयों एकदम से हमारी सारी सरसों लोट जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए हमें रोटावेटर के साथ साथ टीलर की जुताई जरूर करनी है अपने खेत में, और रोटावेटर के बाद बीज का बिखराव करके किसान भाइयों टीलर जरूर निकाल दे और हल्का सा पाटा लगा देंगे तो हमारी जो सरसों है वो बिल्कुल भी हवा में नहीं गिरेगी, या अगर ज़्यादा पानी आ जाता है हमारे खेत में तो भी हमारी सरसों को नुकसान नहीं होगा। बुआई में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गहरी जुताई करनी है और किसान भाइयों टीलर के साथ हमें सरसों की बुआई करनी है। एक सावधानी, अब आते हैं खाद पे। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं सारा का सारा कंप्लीट पैकेज आपको देने वाला हूँ सरसों का। खाद का जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ सरसों के लिए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देने वाला है। किसान साथियों, बहुत सारे हमारे किसान भाई एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरसों में आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल के बुआई करनी है। किसान भाइयों, सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जिसके अंदर तेल बनता है, और किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फेट खाद के अंदर कैल्शियम और सल्फर की अतिरिक्त मात्रा रहती है जिससे ये खाद सरसों में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में हमें सल्फर का इस्तेमाल जरूर करना है। अब मैं आपको मात्रा बता देता हूं। बुआई के समय किसान भाइयों आंख बंद करके आप एक एकड़ खेत में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डालिए। किसान साथियों, आपको कोई भी अतिरिक्त खाद नहीं डालना, ना ही डीएपी, ना ही एनपीके, ना ही कैल्शियम, ना ही कुछ। इसके साथ आप केवल 10 केजी सल्फर और अतिरिक्त मिला लीजिए। किसान भाइयों, बहुत ही जबरदस्त आपकी सरसों निकलने वाली है। एक एकड़ खेत में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और आंख बंद करके बिल्कुल और कुछ खाद नहीं डालना। किसान साथियों, लास्ट जुताई पे डाल दो इसको, रोटावेटर निकाल रहे हो उससे पहले बखेड़ दो, बाद में बखेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप ये 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डालिए, इसके साथ साथ आप केवल 10 केजी सल्फर और मिला लो अतिरिक्त। किसान भाइयों, सल्फर हमारी सरसों की फसल में फंजीसाइड के रूप में भी कार्य करता है, जो हल्की मोटी कोई फंगस हमारी जड़ों में लग सकती है उसको भी रोकता है। और अतिरिक्त अगर हम सल्फर अपनी सरसों में डालते हैं किसान भाइयों, उसका तेल पे भी, उसकी क्वालिटी पे भी सरसों की बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो सल्फर केवल 10 किलो आप इसमें डाल दीजिए, 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए एक एकड़ खेत में और बुआई कर दीजिए किसान भाइयों, और कोई भी खाद आपको डालना नहीं है। पहला पानी जैसे ही आएगा किसान भाइयों, उसमें आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। एक बैग पूरा 50 किलो का, 45 किलो का जो हमारा यूरिया का बैग आता है, पहले पानी पे वो डाल देना किसान भाइयों, और कुछ नहीं डालना। अगली जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें आपको मैं स्प्रे के बारे में बताऊंगा, कौन सी स्प्रे हमें 30-35 दिन बाद करनी है पहली स्प्रे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ जुताई पे क्या करना है, खाद कौन सा डालना है। अब आते हैं किसान भाइयों, हमारा खाद भी हो गया, जुताई भी होगी, अब आते हैं हम बीज पे। किसान भाइयों, सबसे पहले सबसे उन्नत बीज बता देता हूँ। बहुत सारी बाजार में आपको बहुत सारी बीज मिलेंगे किसान भाइयों, श्रीराम 1666 अच्छी वेराइटी है बहुत, क्रिस्टल की 5222 बहुत अच्छी है, 5210 बहुत अच्छी है, एडवांटा की बहुत जबरदस्त वेराइटी है, जो मैंने शुरू में ही बात बताई थी कि एडवांटा की ADV 414, इस पे पाले का बहुत ही कम असर आता है किसान भाइयों। एक 427 वेराइटी है, इस पे भी पाले का बहुत कम असर आता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वो आंख बंद करके 45-46 लगा दो किसान भाइयों, इसके ऊपर कोई भी वैरायटी प्रोडक्शन नहीं देगी। बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है, पाइनियर 45-46 की ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है बाजार में, किसी अच्छी दुकान से
आपको ये खरीदनी है, 45S 40 इससे ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं देगा। पिछले वर्ष भी इसी ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दिया, केवल 45S 40 वहां पे थोड़ी सी डाउन रही जहां पे पिछले वर्ष बहुत ज्यादा पाले का असर आया। पाइनियर की 45S 40 अगर आपको ना मिले तो आप 45S 47 ले सकते हैं, 47 ये भी अच्छा प्रोडक्शन आपको देगी, बिल्कुल इसी के बराबर ये निकल जाती है। इस साल 45S 42 भी आई है बाजार में, वो भी ले सकते हैं, 45S 44 भी है पाइनियर की। तो ये तीनों चारों वेराइटियाँ हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे 45S 40 ट्रस्टेड है, आप इसका इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ वीडियो में, कुछ मेरे किसान साथियों के मन में ये भ्रम रहता है कि भाई हम बाजार से ही लाएंगे तो ही एक अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों हाइब्रिड वैरायटी को भी आप 2 सालों तक घर में लगा सकते हैं। जैसे पिछले साल अगर आपने 45S 40 बोई थी, आप उसी से 1 kg प्रति एकड़ बीज डाल दीजिए किसान भाइयों, वो भी आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। बस केवल बीज को आपको अच्छे से तैयार करना है। कैसे, आप उसको अच्छी तरह छन्नी में छानिए, जो बारीक दाने हैं वो अलग कर दीजिए। किसान भाइयों बुआई से पहले इसको कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो हमारा पाउडर आता है साफ के नाम से, 2-3 ग्राम पाउडर में 1 किलो बीज को अच्छे से आप ट्रीट कर लीजिए बोने से पहले किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 साल तक हाइब्रिड वैरायटी को, घर की वैरायटी को भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पिछले साल असली 45S 40 मिला है तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं, प्रोडक्शन पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाजार में आपको 45S 40 1000 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया अच्छी दुकान से ही लेना है किसान भाइयों, किसी ट्रस्टेड दुकान से लेना है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और किसान भाइयों दूसरी चीज़ एक बार और दोहरा दूं, अगर आपके क्षेत्र में पाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है, पिछले वर्ष भी नुकसान हुआ, तो एडवांटा की ADV 414 की बुआई करना बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स देगी। वरना क्रिस्टल की 5222 भी अच्छा उत्पादन देती है, श्रीराम की 1666 भी अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन सबसे ऊपर 45S 46। किसान भाइयों इस वीडियो में सारी चीजें मैंने बता दी है। बुआई आपको करनी है गहरी जुताई करके, टीलर जरूर निकालना नहीं तो गिर जाती है सरसों। और खाद मैंने बता दिया, केवल 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डाल दो किसान भाइयों, जबरदस्त उत्पादन आपको मिलेगा, इसमें सारे के सारे खाद कवर हो जाएंगे। यूरिया की पूर्ति पहले पानी पे कर देना, 1 बैग 5 बीघे खेत में आपको डाल देना है। और किसान भाइयों स्प्रे आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन सी, केवल 2 स्प्रे लगानी है बीच में और जबरदस्त उत्पादन आप सरसों से ले पाएंगे। 1 एकड़ खेत में 13 क्विंटल 14 क्विंटल तक सरसों आसानी से निकल जाती है, और वही टारगेट इस बार भी हमें पूरा करना है। धन्यवाद।